Hello everyone, I am Anushka and I am here with the review of this book, Norman Lewis. So, इस बुक से रिलेटेड कई सारी क्वेरीज हैं बहुत सारे लोगों को कि ये बुक कैसी है, इसका कंटेंट कैसा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. बट आंसर इज़ कि इसको ज़रूर लेना चाहिए. अब क्यों लेना चाहिए, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. जैसे कि फर्स्ट थिंग, ये इतनी कॉस्टली है नहीं कि आप ले नहीं सकें. C179 का इसका MRP है, बट अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो ये 150 से ऊपर नहीं जाएगा. सेकंड थिंग इज़ कि इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है. जैसे कि इसको पार्ट वाइज भी डिवाइड कर दिया गया है. पहला पार्ट में क्या होगा कि आपको बताया जाए, मतलब आपका टेस्ट होगा कि आप कैसे, मीन्स आपकी वोकैब कैसी है, राइट. सेकंड पार्ट में आपको कि कैसे मतलब हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकैबलरी. और इसको ग्रुपिंग कर दी गई है, इस पूरे बुक में ग्रुपिंग कर दी गई है. जैसे कि एक एक पार्ट पे पूरे सारे डॉक्टर के, जैसे स्किन डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, सारे डॉक्टर को एक एक ग्रुप में रख दिया गया है. बाकी सबके सबका ऐसे ही हुए है कि आपको ग्रुपिंग कर दी गई है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि आपको कैसे लर्न करना है. सी दैट हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स, फाइन. अब इसका अगर एक एग्ज़ाम्पल ले तो आई विल गिव यू वन एग्ज़ाम्पल. कुछ ऐसा होगा कि आपको एक रूट वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे कि ईगो. ईगो मीन्स सेल्फ. ईगो से रिलेटेड कितने वर्ड्स हैं, ईगो, ईगोइस्ट, ईगोइज्म, ईगोमैनिएक, ईगोटिस्ट. ईगोइस्ट, व्हेन द सफिक्स इज आईएसटी, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन, राइट. ईगो means self, ist means about some person, a person whose decision in life revolve around fact, what is it for me. Ego is, when the suffix is ism, it means we are talking about some belief. Ego means self, ism means belief, means belief of self, right. Egomaniac means madness. And ego means self. Again, combine it. One whose ego become mania. Egotist means one who boasts about his achievement and accomplishment. इसको learn करने का एक example ले लीजिए. आपके हर एक किसी के life में एक teacher